हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले कुछ ऐसे यूनिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनको कोई भी किंगडम के अंदर क्लासिफाइड नहीं किया गया। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी जिस वजह से इनको 5 में से कोई भी किंगडम में स्थान नहीं मिला। वीटेकर ने इनको कहीं पर भी अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेंशन नहीं किया है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। विटेकर ने इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अपने क्लासिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स एसेलुलर थे। एसेलुलर का मतलब है जो सेल ही नहीं है। ऐसा माना जाता है एटलीस्ट लिविंग होने के लिए आपका एक सिंगल सेल होना तो ज़रूरी ही है, जबकि ये तो सेल ही नहीं थे। इनके पास कोई सेलुलर कंटेंट नहीं है, ना ऑर्गेनेल्स है, ना न्यूक्लियस है, ना राइबोसोम जैसी ऑर्गेनेल्स है। इस वजह से शायद इनको कहीं पर भी जगह ना मिली, इसलिए इनको अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी हम कहते हैं। वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड द लाइकेन्स, कई लोग लीचेंस भी प्रोनाउंस करते हैं, वो अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरली हम इंक्लूड करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कौन से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ये तो सब हमारी सिस्टम्स है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में। क्या इन ऑर्गेनिजम्स को पता होगा कि हमने इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रखा है? क्या ये जानते होगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम की कोई चीज़ भी है जिसमें हम क्लासिफाइड नहीं होते? और अगर मान लो इनको पता भी है, इनमें इतनी समझ होती, अंडरस्टैंडिंग होती या कॉन्शियसनेस होती, तो ये क्या बोलते? हमारा अपना वर्ल्ड है, हम उसमें खुश हैं, आप चाहे हमें क्लासिफाइड करो या ना करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉस्ट इन माय ओन वर्ल्ड, हम सब हमारे वर्ल्ड के अंदर खो चुके हैं। आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम की या आपके दिए जाने वाले टेक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। क्रिटिसाइजर्स ऑलवेज क्रिटिसाइज करते रहते और हमें उनकी तरफ देखना नहीं है। हमारा अपना वर्ल्ड है, उसमें जीते हैं, हम क्यों क्रिटिसाइजर्स की परवाह करें? तो अनक्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं हमें लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देकर जाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप में यूनिक है। इनके फीचर्स, इनके कैरेक्टर्स कैसे हो गए कि हम इनको नॉन लिविंग भी नहीं बोल पा रहे और इनको लिविंग भी नहीं बोल पा रहे, कहीं क्लासिफाइड भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कह पा रहे कि ये नॉन लिविंग है? हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं वायरस के बारे में। इस लेक्चर में हम वायरस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वायरसेस से। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नॉन व्हाट इफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। हम सब जानते हैं वायरल इन्फेक्शन से हम सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कॉमन कोल्ड, जिसको हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, वो वायरस का बहुत कॉमन डिजीज है। और बाकी सारे डिजीजेस के बारे में भी आप जानते ही होंगे, खतरनाक डेडली वायरल डिजीजेस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस। क्लासिफिकेशन कंट्रोवर्सी, वायरसेस ऑलवेज क्लासिफिकेशन कंट्रोवर्सी के अंदर आते रहे हैं। एक मिस्ट्री है कि वायरसेस को लिविंग गिने या तो नॉन लिविंग। वीटेकर ने वायरसेस को अपने क्लासिफिकेशन में कोई भी किंगडम में जगह नहीं दी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ही ऐसी है कि इनको हम लिविंग गिने या नॉन लिविंग हमें समझ में ही नहीं आ रहा। इसीलिए कई लोगों का कहना है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग को कनेक्ट करने वाली लिंक है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोस ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर।
एटलीस्ट लिविंग होने के लिए आपको सिंगल सेल तो मिनिमम होना ही पड़ेगा। जो सेल्यूलर ही नहीं है, जिनके पास एक सिंगल सेल भी नहीं है, वो लिविंग नहीं है। वायरसेस सेल्यूलर स्ट्रक्चर शो नहीं करते और इसी वजह से इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहा जा रहा। वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर, ए सेल्यूलर भी आप कह सकते हैं। द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, सेल स्ट्रक्चर शो नहीं करते, नॉन सेल्यूलर है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी of the host cell to replicate themselves, killing the host. जब ये host cell के बाहर होते हैं तब ये non-living जैसा behave करते हैं, पर जब इनको host cell मिल जाता है या host मिल जाता है तब ये उनकी body में enter हो जाते हैं, host के cell को machinery की तरह use करते हैं और replicate होने लगते हैं, उनकी population को बढ़ा देते हैं और उन्हीं की negative impact होने की वजह से, effect होने की वजह से host मर जाता है। Would you call viruses living or non-living? अभी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतने सालों से साइंटिस्ट रिसर्च करते आए हैं, इतने बड़े बड़े टैक्सोनोमिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देके चले गए, उन्होंने वायरसेस को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया लिविंग के अंदर। इतने बड़े रिसर्च के बाद और इतने बड़े नॉलेज के बाद उनका ये कहना है कि इनको लिविंग कहे या नॉन लिविंग, हम आज तक नहीं ढूंढ पाए आंसर। ये शायद लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली एक लिंक है, तो हम कैसे भला जाने कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, जब इतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं पता, इतने बड़े बड़े नॉलेज वाले लोगों को नहीं पता। पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के ज़रिए वो हमसे ये पूछना चाहते हैं, ये क्यूरियोसिटी जनरेट करवाना चाहते हैं कि लिविंग की डेफिनेशन क्या हो सकती है। हो सकता है कि आज का जो यूथ है वो आने वाले वक्त में वायरसेस की मिस्ट्री खोज निकाले, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस की जाए, और ये क्वेश्चन शायद इसीलिए दिया गया है। अब देखते हैं कुछ साइंटिस्ट का रोल वायरस के रिसर्च के अंदर। सबसे पहले साइंटिस्ट है पाश्चर। The name virus that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur. Pasteur ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को नाम दिया। ये जो वायरस नाम मिला वो Pasteur ने दिया था। इस नाम का एक्चुअल मीनिंग होता है जो जहरीला है, जो venomic है, या तो जो poisonous fluid है। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है डीजे इवानोवस्की। 1892 में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि टोबेको प्लांट के अंदर कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप माइक्रोब्स मोजेक नाम का डिजीज करता है। मोजेक डिजीज का मतलब होता है लीव्स के ऊपर येल्लो स्पॉट्स का डेवलप होना, और ये जो ऑर्गेनिजम्स थे वो इतने छोटे थे कि बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है जिसमें से बैक्टीरिया भी पास नहीं हो सकते थे, उनमें से भी पास हो जाते थे। इसका मतलब इनकी साइज बैक्टीरिया से भी छोटी थी, और हम सब आज जानते हैं कि वायरसेस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं। ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबेको। दिस वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स।
तीसरे साइंटिस्ट का नाम है एम डब्ल्यू बेजेरेनिक। 1898 में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि टोबेको के कुछ इन्फेक्टेड प्लांट्स टोबेको के हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने एक थियरी प्रपोज्ड की, कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, जिसके जरिए इन्फेक्शियस प्लांट हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबेको कुड कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूड एज कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। तो इन्होंने क्या नोटिस किया था, अगर टोबेको के इन्फेक्टेड प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के आप हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो उनमें भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उनका मानना है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहीं ना कहीं लिविंग है, इसलिए उन्होंने उनको नाम दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। एक ऐसा फ्लूड जो अब भी लिविंग है, जो अब भी दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल है। फोर्थ साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू एम स्टेनले। 1935 में इन्होंने शो किया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है, एंड द क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ही शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। वायरसेस के क्रिस्टल्स के अंदर उनको प्रोटीन स्ट्रक्चर भी मिला। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब है जिनको होस्ट मिलने के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते या मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते, पर जब तक उनको होस्ट नहीं मिलता वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर शो करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब बात करते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर की। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिकल मटीरियल्स दैट कुड बी इधर आरएनए और डीएनए। वायरसेस में दो ही सब्सटेंसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो मटीरियल से पूरा वायरस फॉर्म हो जाता है। एक प्रोटीन जो एक्चुअल में उनका प्रोटेक्टिव लेयर या तो एनवलोप फॉर्म करता है, और मेन जो है वो है उनका जेनेटिकल मटीरियल, वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। कोई भी ऐसे वायरसेस नहीं है जिनमें आरएनए एंड डीएनए दोनों प्रेजेंट हो। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, दोनों में से कोई एक जेनेटिकल मटेरियल होगा। अगर आरएनए है तो ऐसे वायरसेस को आरएनए वायरसेस कहेंगे, अगर जेनेटिकल मटेरियल वायरसेस के अंदर डीएनए है तो ऐसे वायरसेस को डीएनए वायरसेस कहेंगे। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. यहाँ फिगर में आपको मैंने दिखा रखा है viruses nucleoprotein है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटीन का envelope है। देखिए envelope प्रोटीन, envelope ये सब प्रोटीन से बनता है, जो protective layer है। और nucleo word आया है genetical material से, क्योंकि उनके पास या तो RNA है या तो DNA है जो nucleic acid है, इसलिए वहाँ से word nucleo लिया। और एक और सब्सटेंस भी है जो प्रोटेक्शन देता है वायरसेस को, जो एनवलोप फॉर्म करता है, वो है प्रोटीन, इसलिए वर्ड बन गया न्यूक्लियोप्रोटीन। प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं है। वायरसेस का जो पार्ट इन्फेक्शियस है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, वो है जेनेटिकल मटेरियल। तो वायरल जीनोम, वो डीएनए या तो आरएनए दोनों में से कोई एक होगा, वो एक्चुअल में इन्फेक्शियस है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आपको खास याद रखना है नीट के लिए, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो वायरसेस
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने हुए होते हैं, उनके पास आरएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड ही होती है, डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंड नहीं। जबकि वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पर जो एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं वो वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बनते हैं, या तो उनके पास डीएनए की भी डबल स्ट्रैंड होती है। यही रीज़न है कि प्लांट में जो डिजीज़ या तो इन्फेक्शन करते हैं वो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, और जो एनिमल में इन्फेक्शन करते हैं या डिजीज़ कोजिंग है वो प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक नहीं होते, क्योंकि दोनों के अंदर जेनेटिकल मटेरियल डिफरेंट होता है। किसी में एक सिंगल स्ट्रैंड होती है आरएनए की, तो किसी के पास दो स्ट्रैंड होती है आरएनए की या तो डीएनए की। वायरसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है। वायरसेस बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शंस करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उनकी वजह से बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है। ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज वायरसेस और फेज वायरसेस और बैक्टीरियल वायरसेस के नाम से जाना जाता है। ये वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो आपको खास याद रखना है। आप सब जानते हैं कि बैक्टीरियल डिजीजेस की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हुई है, आज भी वो इफ़ेक्ट जारी है। बैक्टीरियल डिजीजेस के सामने प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमंस ने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की। हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही काफ़ी सालों तक, पर आज धीरे धीरे उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी जो पोटेंसी है, वो कम होती जा रही है। इवोल्यूशन की वजह से बैक्टीरिया अब डेवलप्ड हो चुके हैं और हमारी दवाइयों की उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रही। ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ फॉर्म होते जा रहे हैं जिनके सामने दवाइयाँ अब काम नहीं कर पा रही, और अगर ऐसा हुआ तो पुराने समय में, पुराने वक्त में जैसे बैक्टीरिया की वजह से हज़ारों लोग मरते थे, वो समय अब दूर नहीं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि 10-12 साल का वक्त है हमारे पास। अगर इतने टाइम में हमने कोई नई एंटीबायोटिक या नई ड्रग या मेडिसिन नहीं फाइंड आउट की, तो वो वक्त वापस से शुरू हो जाएगा जब कोलेरा और टाइफोड जैसे कॉमन डिजीजेस से हज़ारों लोग मरते थे। तो ये हमारे लिए एक अलार्म है, कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। और एक नोवेल, एक क्रिएटिव मैकेनिज्म हमारे दिमाग में आया, वो ये, क्या हम बैक्टीरियोफेज वायरसेस को बैक्टीरिया मारने के लिए यूज़ नहीं कर सकते? मानो कि डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरियाज के सामने हमने ऐसे बैक्टीरियोफेजिस को डेवलप कर लिया जो उनको मार देता है, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आपको बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए और आपकी बॉडी में हम फेज वायरसेस इंजेक्ट करेंगे, वो आपकी बॉडी में डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरियाज को ढूंढ के मार देगा। ना कोई दवाई पीने का आपको टेंशन, ना दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट, कुछ भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये वायरसेस हमें तो कहीं इन्फेक्ट नहीं करेंगे ना, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो वायरसेस प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं वो एनिमल में इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। और एक चीज़ भी आप ज़रूर सर्च करिए, निंजा वायरस क्या है। ऐसा माना जाता है कि गंगा रिवर के अंदर पुराने समय में टाइफोड और कोलेरा से मरने वाले जो भी इंसान थे, उनकी डेड बॉडीज को फेंक दिया जाता था। आप सब जानते हैं कि टाइफोड और कोलेरा दोनों वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, पानी से स्प्रेड होते हैं। अगर आप इन्फेक्शियस डेड बॉडीज को वाटर के अंदर फेंक देंगे तो ऐसा पानी पीने वाले लोगों को ये डिजीज़ होने का बहुत बड़ा खतरा है, पर उनमें से किसी को भी डिजीज़ नहीं होते थे। उस वक्त से ऐसा माना गया कि गंगा होली है, गंगा पवित्र है। पर एक फॉरेन रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च किया और पता चला इस रिवर के अंदर निंजा वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है एक्चुअल में,
और वो ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर देता है, मार देता है। आप ज़रूर सर्च करिए निंजा वायरस क्या है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस का ही एक टाइप है। द प्रोटीन कॉट कोल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअल में मेन इन्फेक्शियस मटीरियल जो वायरस का है वो तो आरएनए है या तो डीएनए है, जैसे यहाँ फिगर में आपको आरएनए दिखा रखा है। ये जो फिगर है वो टोबेको मोज़ेक वायरस की है, एक ऐसा वायरस जो टोबेको में मोज़ेक डिजीज करता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो ग्रीन कलर का आपको पूरा कोटिंग दिख रहा है वो प्रोटीन से बना है, और पूरे उस कोट को हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोटीन कोट छोटे छोटे प्रोटीन सब यूनिट से बना है, ऐसे छोटे स्मॉल सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहेंगे। इस प्रोटीन कोट का एक ही फंक्शन है, वायरस के जीनोम को प्रोटेक्ट करना। दिस कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। आपको उसकी अरेंजमेंट भी दिख रही है किस तरीके से हेलिकली वो अरेंज्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि वायरस सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों से बनते हैं, एक आरएनए होता है या तो उनके पास डीएनए, और दूसरा उसको कवर करने वाला प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर। इसीलिए हमने कहा वायरसेस एसेल्युलर है या नॉन सेल्युलर है, वो सेल शो नहीं करते। और यही रीज़न है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने कोई भी किंगडम में वायरसेस को कोई भी जगह नहीं दी। ह्यूमंस के अंदर कुछ वायरल डिजीजेस जो है कॉमन, चलिए उनके बारे में समझते हैं। मम्स, सबसे पहला डिजीज है मम्स। आपको पहली फिगर जो दिखा रखी है जिसमें चीक में स्वेलिंग आया हुआ है, वो एक्चुअल में मम्स इन्फेक्शन है। मम्स इन्फेक्शन के अंदर हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड जो चीक के पीछे की तरफ होती है, उसमें स्वेलिंग आता है इन्फेक्शन की वजह से। सेकेंड डिजीज है स्मॉल पोक्स। आपको एक बच्चा यहाँ पर दिख रहा है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्मॉल पॉक्स हुए हैं। थर्ड है हर्पीस। लिप की फिगर जो दिखा रखी है उसमें जो डिजीज आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में हर्पीस है। इन्फ्लुएंजा, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, यहाँ पर मैंने आपको फिगर दिखा रखी है इन्फ्लुएंजा की कि कुछ वायरसेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो रहा है। इन्फ्लुएंजा को कॉमन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, सर्दी जुकाम जिनकी वजह से होता है वो वायरस इन्फ्लुएंजा ही होता है। एड्स, लास्ट इमेज एचआईवी की है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिस वायरस की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। एचआईवी, एड्स के नाम से भी ये डिजीज बहुत फेमस है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सिम्टम्स हैं डिजीज के, और जिसके अंदर हम इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी वाला स्टेट अचीव करते हैं, एक्वायर्ड मतलब अचीव करते हैं, पहले से होता नहीं है। तो कुछ कॉमन डिजीजेस थे ये वायरस के, बाकी आप सब जानते हैं काफ़ी सारे वायरल डिजीजेज है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, और उसके अलावा इबोला, जितने भी आपने खतरनाक वायरल डिजीजेज सुन रखे हैं जो बहुत डेडली हैं, वो सब ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और आज के समय में चल रहा है जिसका नाम है कोरोना वायरस, तो वायरसेस काफ़ी डेडली है। भले ही बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इवन एसेल्युलर स्ट्रक्चर है, वो सेल्स भी शो नहीं करते, उसके बाद भी डेडली है। प्लांट्स के अंदर अगर वायरल डिजीजेस होते हैं तो प्लांट्स क्या सिम्टम्स शो करते हैं, कुछ सिम्टम्स है, चलिए देखते हैं। मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन का मतलब होता है लीव्स के ऊपर येलो स्पॉट्स डेवलप हो जाना। पहली ही फिगर आपको जो टॉप पे दिख रही है स्लाइड की, वो है मोज़ेक फॉर्मेशन की, जिसमें कुछ लीव्स के ऊपर येलो स्पॉट्स डेवलप हो चुके हैं। लेफ्ट साइड आप देखिए कॉर्नर पे, वो लीफ रोलिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें लीव्स के अंदर रोलिंग हो जाता है। जो बॉटम पे आपको फिगर दिख रही है स्लाइड में, वो कर्लिंग की है, जिसमें कुछ लीव्स से उनमें कर्लिंग हो गया है। येल्लो इंक का फोटो मैंने नहीं रखा क्योंकि येल्लो इंक के अंदर आप सब जानते हैं कि लीव्स येल्लो हो जाते हैं। वेन क्लियरिंग,
राइट साइड कॉर्नर पे आपको एक सिंगल लीफ दिख रहा है जो रेडिश कलर का है, उसको देखिए, उसमें वेन्स बहुत ही क्लियर कट दिख रही है। वेन क्लियरिंग में वेन्स बहुत क्लियर हो जाती है। इस सिम्टम्स का नाम इसीलिए वेन क्लियरिंग है। ड्वार्फिंग का मतलब होता है छोटा रह जाना प्लांट का, लेंथ का नहीं बढ़ना। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। तो आप कह सकते हैं कि वायरल डिजीजेस की वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, ग्रोथ रुक जाता है और इसकी इकोनॉमिकल इफेक्ट फार्मर्स को होती है।